सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। एक समय एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े धनी व्यक्ति हिंदू धर्म में जन्मे थे और बहुत ही परमात्मा की तरफ थी उनके अंदर। पुण्यात्मा पिछले संस्कार का जो प्राणी होता है वही भगवान के लिए तरफ रहे होते हैं। वो पिछले बहुत अच्छे संस्कारी होते हैं, पिछले पुण्य उनके अंदर प्रेरणा करते रहते हैं, उनको टिकने नहीं देते हैं कि कोई भगवान ढूंढे कहीं। चाहे वो भले ही कोई ना कोई साधना की उसने सहारा ले ही रखा होता है, वो टिक ही नहीं सकता। चाहे वो हनुमान पूजे, चाहे गणेश जी की पूजा करे, और चाहे वो कितना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाता हो या कोई गीता वेद का कोई पाठ श्लोक करता हो, वो टिक नहीं सकता। चाहे कोई व्रत रख रहा है या चाहे कोई तपस्या कर रहा है, वो डले ढोता ही रहता है, उसके बस की बात नहीं। तो इसी प्रकार जिस वर्ण में जन्म हुआ उन परंपरागत साधनाओं के करते करते भी उसके अतिरिक्त यदि कोई और मार्गदर्शन करने वाला मिल जाता है तो वो भी स्वीकार करता है और उसको प्रारंभ कर देता। धर्मदास जी गांव बांधोगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और इतने रिच मैन थे वो, इतने धनी व्यक्ति थे। कहते हैं जब कभी उस अक्षेत्र के राजा के ऊपर प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, जैसे फ्लड आ जाना या सूखा गिर जाना, महामारी के कारण लोगों की अस्थि हो जाना, तो वो धर्मदास जी के पिता और दादा से वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे राजा लोग। ये बताना दास का इसलिए अनिवार्य है कि इतना धनी होते हुए और जो व्यक्ति भगवान की तरफ में तो धन्य है, उसके माता पिता दिन से जन्म हुआ। अब वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं, छोटी सी कोई पोस्ट मिल गई और कहीं कोई सरकारी उपाधि उसको प्राप्त पद मिल गया, खुद साब बन बैठा। अकल मारी गई इस जीव की, काल ने इसकी रोल मार रखी है, और कल को मृत्यु होके परसों गधा बन जाएगा। वो साब के ऊपर फिर कौवे खा रहे होंगे, इसकी चोंच कमर को खोद रहे होंगे। तो हमने अपनी औकात को, अपने अस्तित्व को पहचानना पड़ेगा, या काल हमारे एक हवा भर देता है, गुब्बारे में हवा भर दी, छोड़ दिया, घूमे जा धक्के खाता। जब वो फटेगा तो उसका अस्तित्व पता नहीं कहाँ गिरेगा, जा कि गंदे नाले में पड़ेगा या कि समुद्र में पड़ेगा। तो इसलिए हमने इस हवा को नहीं भरना है, अपना ठीक ठिकाना जो मालिक का आदेश उसके अनुसार हमने चलना होगा, तभी हम सफल होंगे। तो धर्मदास जी को इतनी तरफ थी, उन्होंने ये भी सुना हुआ होता है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, इसलिए उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव परंपरा के संत को गुरु धारण भी कर रखा था। अब गुरु जी की फिर गुरु बना है तो आज्ञा का पालन भी सर्वधार्य होता है, वो संत भक्त किया ही करते हैं। अब उसी गुरुदेव जी के द्वारा बताए गए निर्देशानुसार वो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी किया करते थे, एकादशी का व्रत भी किया करते थे, जन्माष्टमी का व्रत भी करते थे, और श्री कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राधे राधे कृष्ण कृष्ण, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह के जो भी मंत्र वो जानते हैं हमारे जो हिंदू धर्म के ये डुप्लीकेट गुरु,
तो वो सारी बता रखी थी साधनाएं वो कर रहा था। और उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु जी की मूर्ति जिसको शालिग्राम कहते हैं उसकी भी पूजा अर्चना प्रतिदिन करना, जिसको कर्मकांड कहा जाता, कर्मकांड का एक हिस्सा है, वो भी किया करते थे और गीता जी का नित्य पाठ भी करते थे। सभी तीर्थों का भ्रमण करने से भी मोक्ष उसको बता रखा था। अब बच्चा क्या होता है, अध्यापक ने जो सिलेबस बता दिया वो तो फाइनल समझता है, जो कहा ठीक है जी। इतना बड़ा सेठ मन में आई कि तीर्थों का भ्रमण किया जाए,